लेकिन यहाँ पे खवातीन डांस कर रही है भाई साहब यहाँ पे। अब ये देखें ये बीबी यहाँ पे दिल बना रही है। क्योंकि यहाँ पे दरख्त काटना ममनू है, दरख्त काटने नहीं देते। अच्छा भाई साहब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप अल्कोहल पियेंगे। क्यों नहीं पीते, हमारे पास है, हम तो पियेंगे। खैर ये है जनाब चालू सिटी, जो कि तकरीबन शुमाली ईरान का यानी नॉर्दर्न ईरान का सबसे ठंडा सिटी है। आज जो है ना भाई वाट लगने वाली है, फुल वाट। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा होगी और दूसरा हमें भी कीड़ा था यार कि ठंडे इलाके में जाना है, नॉर्दर्न ईरान देखना है, नॉर्दर्न ईरान देखना है। अब देख लो नॉर्दर्न ईरान, ये सामने समुंदर है, बता रहे हैं 5 मिनट दूर होगा शायद। समुंदर पे जाके आज रात कैंपिंग करते हैं, सुबह इधर घूमते फिरते हैं टर्मिनल पे सामान रख के, और फिर इंशाल्लाह वापस तहरान की तरफ निकलेंगे। अल्लाह ना करे आज कोई हमारे साथ बुरा एक्सपीरियंस हो हमारे साथ, और देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अच्छा एक और बात, इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई ठंडा है, और आज हमारा लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है। मैं पहली दफ़ा समुंदर देखने लगा हूँ भाई अपनी लाइफ में, मैंने आज तक अपनी लाइफ में समुंदर नहीं देखा, मतलब फिल्मों में तो देखा ना यार, इन रियलिटी नहीं देखा। और ये तो फिर रेड सी है यार, क्यों रेड सी के किनारे भाई साहब हम भी कैंपिंग करने लगे आज। इंडियन आके तो करते हैं, पाकिस्तानी भी किसी से कम थोड़ी ना है मेरी जान। बड़ा ही ठंडा माहौल है, बड़ा पुरसकून माहौल है भाई साहब। बस आते हुए थोड़ी सी टेंशन लग गई यार वो वाली ना, और उसके अलावा कोई टेंशन नहीं थी। कोई नहीं, खैर यार पैसों का क्या है, कुछ नहीं होता, अल्लाह और देगा, कोई मसला नहीं। अच्छा आप ये देख सकते आज चुंझनुमा भाई जी ने अपना छत्ता उन्हें अपनी बनाई हुई हैं, ताकि उत्ते बर्फ डिगे सैदा सैडा तो पिघल तो थले जा पवे, उत्ते टिकी ना रहे। पिछला बंदा भाई जेड़ा सानू अज दाड़ी वाला लब्भा है, लेकिन नो वी आर जस्ट गोइंग फॉर सी और यू आर मीट मीट कबाब। यस नो नो अल्हम्दुलिल्लाह, नो नहीं। मिस्टर अली हैव द बिगेस्ट रेस्टोरेंट in this country. Oh nice. Mr. Ali, actually we are tourists, you know, Gardishka. Gardishka tourists. Yeah. What is the average price of a hostel and a hotel here? 1 million. Huh. 1 million to once. 1 million, 2 million. Okay. Oh, thank you so much. खैर ये भाई साहब बोलते हैं कि पहले इन्होंने खत करवाना है यहाँ से ना, बाकी काम बाद में करवाने। क्या नाम है? Do you know English? यार ठोठा मारता हुआ समुंदर भाई साहब, और मेरे ख्याल शाम के टाइम तो वैसे वैसे ही लहरें तेज़ हो जाती हैं रात को, तो भाई साहब ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं समुंदर, अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा भाई साहब, हकीकत में पहली दफ़ा। ओए होए होए समुंदर का इतना पानी, ओए होए होए यहाँ पे इतना पानी होता है समुंदर में यार, यार कसम से मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ भाई, पहली दफ़ा लाइफ में। अच्छा वैसे खौफ भी आ रहा है भाई इतना पानी तो देख के। चेक करो भाई साहब, शोर इतना जोर से, ये देखें कैंप वगैरह छोटे छोटे बने हुए हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं मेरे ख्याल में ना। खैर वो तो छोड़ो, इतनी तेज लहरें स्पीड के साथ चली हुई यार साजी, माहौल चेक कर माशाल्लाह, काफी खूबसूरत माहौल है यहाँ का, और मैं कह रहा हूँ कि मजे आ रहे हैं, समंदर अपने अरूज पर है यहाँ पर हम। मैंने अपनी लाइफ में ना पहली दफा इस तरह का सीन देखा है। वो अच्छा ईरानी यहाँ पे बैठ के ओके पी रहे हैं, आप चेक करें ये वाला सीन, इतनी तेज लहरें भाई साहब, ये है रेड सी यार, हद्दे निगाह समुंदर ही समुंदर। यहाँ पे ये देखें ईरानी लोग बैठे हुए हैं, कुछ कैंप वगैरह कुछ ने लगा रखे, और ये रहा मैं और ये रही शाम। ओए होए 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 लेवल है बॉस लेवल, समुंदर के किनारे वो भी ईरान में, नॉर्दर्न ईरान, मज़ा आ गया उस्ताद। और भाई ऐसा नज़ारा मैंने पहले नहीं देखा अपनी लाइफ में ना, बहुत ही खूबसूरत है। अब ये देखें ये बीबी यहाँ पे दिल बना रही है, उसने एन और ए लिखा हुआ है। अच्छा ये सीन चेक करें बॉस, ये है जी नॉर्दर्न ईरान, ऑफ ये है जी नॉर्दर्न ईरान, बहुत खूबसूरत है भाई कसम से बहुत खूबसूरत है। अभी मुझे एहसास हुआ है कि चालूस में हमने आके गलती नहीं की है, बल्कि फ़ायदा हुआ है यहाँ आने का यार,
इतना खूबसूरत यार। लेट्स सी, वाह ठंडा ठंडा पानी है भाई जी। मैं सुनता हूँ कि कराची के समुंदर के किनारे ना आपको हमेशा गर्मी ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे भाई ठंडा माहौल है, फुल ठंडा माहौल है। सब ये फट्टा सा लगा हुआ है यहाँ पे। कोशिश करते हैं कि आज रात हम यहाँ पे सो सकें। और ये सामने जो है ना समुंदर का व्यू है। समुंदर सोने देगा लेकिन ये जो लोग आंसर है ना ये वाले नहीं सोने देंगे। व्यू बड़ा कमाल का भाई, जो मर्जी है। चेक करो उस्ताद जी, चेक करो प्लीज यार। ये नाजरीन आप हर बार छोड़े सिर्फ यहाँ पे बैठ के ना ये वाला व्यू चेक करें यार, कितना खूबसूरत है। खुदा की कुदरत है यार, मैं देख के हैरान हूँ। उस मालिक का करिश्मा, कोई अंदर मोटर नहीं लगी हुई इस पानी को लाने वाली, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है यार, फिर भी इतनी ले रहे हैं यार। और हवा भी नहीं है यार। उस खुदा की कुदरत देख लो आप यार, यहाँ पे ये सारे ईरानी लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं। अभी बादल जो है ना इस साइड पे खड़े हैं, लेकिन ये सामने ऊपर इतने बादल नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज कोई ख़ास बारिश का भी इम्कान नहीं है। हम सुकून के साथ इधर कैंपिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अगर हो भी तो फिर अल्लाह अल्लाह वारे से भी अल्लाह वारे से फिर यार। देखिए आप लोग, ईरानी लोग अभी भी इंजॉय कर रहे हैं ना रात को यहाँ भाई, इंजॉय हो रहा है बाकी फुल माहौल। और मैंने ये जुगाड़ अपना एक छोटा सा लगा दिया है। जुगाड़ में ये है कि कैमरे के नीचे मैंने लाइट लगाई और कैमरे को चार्ज लगा के ना इन दोनों चीज़ों को मैंने पावर बैंक के साथ जोड़ दिया। जो बिस्तरे हमारे पास थे सोने वाले के, हम इधर बिस्तरों को डाल देंगे और सुकून के साथ इधर सोने वाले। बस अल्लाह करे कि हमें रात को कोई उठाए ना। अगर किसी ने उठा दिया यहाँ से मैं भाई उठो ना, फिर होटल ले लेंगे, अड्डा भी कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से भी यूट्यूबर हैं। खैर ये सामने छोटी छोटी झोंपड़ियाँ आप देख सकते हैं बनी हुई हैं, ये भी बिल्कुल इजीली मिल जाती है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये जो समुंदर वाला नज़ारा है ना यार, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। याददाश्त हमारे पास रह जाएगी कि हमने एक रात समुंदर के किनारे वहाँ पे गुजारी थी। अब ये भाई साहब उर्दू भी जानते हैं और इनसे छली लेने का कुछ सोच रहे हैं। ये समुंदर के बिल्कुल सामने भाई साहब छलियाँ बेच रहे हैं इधर, ठीक है। उर्दू मालूम? काम। तो ये अफगानी भाई हैं बेसिकली। मैंने सोचा कि समुंदर का मज़ा जो है ना वो दुबला हो जाएगा। ये 30 तुमान की एक दे रहे हैं, मैंने इनको बोला कि आप हमें एक दें ज़रूर। 30 तुमान यानी पाकिस्तानी 210 रुपये की पड़ गई, लेकिन कोई मसला नहीं ना। मेन चीज़ तो खैर ये वाले व्यू को इंजॉय करने की है ना भाई। मैं खुद पाकिस्तान पैदाशी। पाकिस्तान पैदाशी, हाँ खूब। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये नॉर्दर्न पार्ट है ईरान का, और यहाँ पे भी आपको उर्दू बोलने वाले मिल गए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये भी उनके भाई हैं और ये भी बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं। यहाँ से पाकिस्तान बहुत दूर है, फिर भी यहाँ पे आपको जो है ना बोलने वाले मिल जाएंगे उर्दू। अब इस एरिया में बिल्कुल अज़रबैजान आ गया, इधर आर्मेनिया आ गया, और इस साइड पे आपको इराक मिल जाएगा, और तुर्की भी थोड़ा डंकी वालों। हाँ बड़े खुश होते हैं तुर्की का नाम सुन के। तुर्की भी यहाँ पर इस साइड पर ही आ जाता है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा जंगल है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं फटियों से काम चलाया हुआ इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे दरख्त काटना ममनू है, दरख्त काटने नहीं देते। अगर ये वाला माहौल हमारे पास होता भाई साहब, राती लकड़ियाँ वाट लेना की जरूरत, पूरा साले ठहल जावन ये किसी की राती राती लकड़ियाँ वाट रेडी सट्टन लेके जाते पे वे गार्ड आते मौका वेख्या आख्या वाट लगी है जी। खैर वो भी पर्ची बना के चोरन दे देता जी, कोई मसला नहीं। खैर इंशाल्लाह आप लोगों की अगर सपोर्ट रही ना, डीपली हर चीज़ में ना घुस के दिखाऊंगा इंशाल्लाह, हर मुल्क में डीपली घुस के दिखाऊंगा। अगर आप लोगों की सपोर्ट रही और अल्लाह पाक ने चाहा, अगर ज़िंदगी है तो ज़रूर, वरना जैसे अल्लाह को मंजूर। अरे पानी नमक, पानी नमक, ये समुंदर का पानी है ना? ना ना, अच्छा अच्छा ठीक है ना, बस ठीक है। ममनून मर्स। अब ये लेके भुट्टा या छली, आपको मम्मी डैडी होंगे तो भुट्टा बोलेंगे और साढ़े पिंड वाले छली बोल देने जी। आप ये सामने देख सकते हैं, ये कुछ ईरानियों ने भी आके यहाँ पे ऑलरेडी कैंप लगा रखे हैं। अच्छा ये जो सात खवातीनें बैठी हैं ना, इन्होंने हमें कुछ ला के दिया था खाने पीने के लिए ना, भाई साहब से खाया नहीं गया और वो साइड पर ना रख दिया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं हम लोग, वो तो है नहीं कि का पी के मुंह से छल्ला निकालें या सार स्टेटस लगाएं। कोल्ड ड्रिंक को ये नशबा बोलते हैं। नशबा वजूद ना, वजूद हाँ। आराम YouTube, you know YouTube channel, Arab, Pakistan, Pakistan, चंद तुम्हें? बिस्तुम कोक ना कोक पेप्सी ना, इससे बेहतर तो स्प्राइट ही ले लेते हैं यार। इस ये जो कंपनी है ना
दिस वन ये कोक वाली ठीक है ना, वो तो एक लोकल ब्रांड है, वो अच्छा भी नहीं इतना खास ना। ये मैंने इसको 20 तमाम दे दिए इसकी से माम नो मच के चा दो तुम ग्रीन। अभी वापस समुंदर की तरफ चले हैं कोक वाली कोल्ड ड्रिंक लेके और सीधा समुंदर में। यार ये दूसरी जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, इसका वो टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता, वो गुड़ टाइप का जो है ना टेस्ट आता है। वो पिछली दफ़ा मैंने ली थी तो प्राइस दोनों की सेम है, तो मैंने सोचा क्यों ना जो ओरिजिनल कोक है, और कोक के टेस्ट में फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे वाली कोक है उसका टेस्ट और इन वाली जो ये वाली है इसका और नहीं सेम होता है। भाई साहब ये वाला जो ईरान का हिस्सा है ना, ये बाकी के ईरान से टोटली मुख्तलिफ है। मैं इस टाइम यहाँ पे खड़ा ना था, मेरी बैक साइड पे भी देख सकते हैं, शायद आपको इतना क्लियर व्यू भी नज़र ना आ रहा, लेकिन यहाँ पे खवातीन डांस कर रही हैं भाई साहब। यहाँ पे मेरी बैक साइड पे लड़के डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, किसी का कुछ परवाह नहीं है। यहाँ पे किसी ने हिजाब पहन रखा है, अदरवाइज नहीं है। अभी यहाँ पे लड़का और लड़की हक करके खड़े, दे आर डूइंग व्हाट दे वांट यार, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। कमाल है यार, अभी सामने पुलिस वाले भी खड़े थे, कोई मसला नहीं है, म्यूजिक चल रहा है ना, पीछे डांस भी हो रहा था। इधर अपने हमें इजाज़त नहीं थी उनकी वीडियो बनाने की, क्योंकि वह थोड़ा डरते हैं, डर के सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं भाई, रुकने वाले नहीं हैं ये लोग। मैं आपको हकीकत जो है वो बता रहा हूँ। अब कुछ लोग होंगे कि इनके एंटी होंगे, वो मुझे भी बुरा भला बोलेंगे, भाई जो कुछ है आप खुद देख लें यहाँ आके। लेकिन बाकी के ईरान वाले हिस्से में ये कुछ हमें देखने को नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला भाई साहब। इनका लेवल चेक करें, इन्होंने बड़ा स्पीकर लगा रखा ऊपर, और भाई इन लोगों ने हमें भी घुमा दिया है, पकड़ के लेके कहते हैं हमारे साथ डांस करो। इस दौरान हम लोग अभी यहाँ पे खड़े ही थे तो एक मियाँ बीवी हमारे पास आए, यानी एक कपल। उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उन्होंने पहला सवाल ये किया कि आप लोगों के हिंदी यानी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। मैंने कहा कि हमारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, ये तो सिर्फ न्यूज़ और टेलीविज़न में बताया जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो, और हमारा ऐसा कोई बॉर्डर पे सीन नहीं होता, बड़े पुरअमन लोग हैं हम भी और सामने वाले भी। तो ये बात सुन के वो लोग बहुत खुश हुए, पर काश ये सच होता। मुझे इनका ये डांस देख के ना वो सदाम हुसैन की याद आ गई। भाई साहब पाकिस्तानी, तुर्की और ईरानी मिलकर डांस कर रहे हैं और फ्रेंडशिप बढ़ रही है भाई, ताल्लुकात में मजीद इजाफा हो रहा है। शुभीर भाई देखे किस तरह डांस कर रहे हैं, उसका डांस इनका डांस चेक कर रहे जबरदस्त भाई, मजा आ गया, मजा अंदर के लेकिन भाई मजा आ गया। समुंदर के किनारे चालूस में आके सारी टेंशन सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पे आके ना इतनी थकावट थी वो भी दूर हो गई है।
अच्छा भाई साहब, वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप अल्कोहल पियेंगे। मैं कह नहीं यार, क्यों नहीं पीते, हमारे पास है, हम तो पियेंगे यार। वो खुद यहाँ पे पीने लगे हैं, लेकिन हमने रोक दिया कि नहीं भाई, हम नहीं पियेंगे यार। सच्ची यार, अभी वो पीने लगे हैं पीछे मुझे। वो बोल रहे हैं कि घर जाके पियेंगे हम अल्कोहल, इधर नहीं पियेंगे। खैर गाइस ना, वो लोग अभी गाड़ियों में बैठ के जाने लगे। ये देखिए आप सामने गाड़ियाँ उनकी तैयार हो गई तो लगे, लेकिन ये पीछे खवातीन बैठ के काफी भी पी रही, वो नहीं गई अभी। भाई रुपया घरे जाता सी जहाज बन सा पीछे, मगर जाओ पीवो सानू आना तुम आओ। मैं ना 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 ना, हराम हराम, अल्लाह माफ करे, इस तक गुनाहगार बंदे हैं। बैठी हुई खवातीन देख रहे हैं ना, इनकी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हैं, तीन चार गाड़ियाँ, और तीन चार गाड़ियों पे ये खवातीन ही आई हैं यहाँ पे। एक ही बंदा भी नहीं आया इनके साथ, और यहाँ पे आके ना टेबल वगैरह डाला, हुक्के लगाए हैं, और सुकून के साथ वो बैठ के यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं। साढ़े वाले कार तरह नहीं बंदे घरें औरतों और तो बाहर बंदे इंजॉय करते पे, नहीं भाई खुला खाता है। खैर भाई देख ले, ये भाई कहता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक दे नहीं सकता, उन्होंने हमें भी कुछ ला के दिया था, हमने सोचा कि हम भी दे देते। पीछे पुलिस की गाड़ी आ गई भाई साहब, वो लड़ाई से बस चालू है कि यहाँ पे आप लड़ाई ना करें, बाकी जो मर्जी करें, जो मर्जी से मुराद जो मर्जी नहीं, बस सिर्फ हाथ में रहे। इसका खुदा खाओ करो यार, एक घंटे का 130 तुमान ले रहा है तुम। इधर आओ, इधर इधर लो, वापस आओ भाई यार, 1.5 लाख तुमान। खुदा ये फूल हो क्या यार, दुआ पकड़ो 100 120। ओके ओके। खैर नाजरीन, आज के ब्लॉग का यहीं पे करते हैं इख्तिताम, हमारे भी सोने का टाइम हो चुका है। आपको हैरानी हो रही होगी कि उस कैबिन के जितने पैसे ना 150, इसके भी इतने ही हैं 30। वैसे घंटे के हिसाब से लेते हैं, अगर पूरी रात का है तो वो भी 150 तुमान है, उसका भी इतना और उसका भी। तो हमने 150 तुमान में बुक कर लिया है, अभी सोने लगे हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।